Hi friends, roasted दार्जिलिंग tea, good wicker. ये roasted वाले दार्जिलिंग tea मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने ख़रीदा इसे और पिया भी. उसके बाद मैं रिव्यू कर रही हूँ. देखो इसका 250 ग्राम्स 280 रुपीस है. अब ये चाय पत्ती आपको दिखा दो फ्रेंड्स. ये इससे मैंने खोल लिया है ये पैकेट. देखो ये पैकेट खोल लिया मैंने. चाय पत्ती पहले से ही रख दिया था मैंने. ये देखो इसका अब मैं आपको दिखाऊं कि ये पत्ता है कैसे. देखो बहुत बड़ा बड़ा है पत्ते. और ये जो पत्ते हैं ना फ्रेंड्स, इसकी खुशबू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. मतलब जैसे आपको एक रिफ्रेश चाय चाहिए, तो ये पत्ता आप 5 मिनट उबला हुआ पानी में ये पत्ता भिगा दो. अगर आपको कड़क चाहिए तो फ्लेम कम करके आप इसे 5 मिनट रहने दो ढक्कन लगा कर. देखो मैंने चाय बना लिया है. ये मैंने हल्की चाय बनाई है. ये हल्की चाय मतलब एरोमा एकदम पूरा है. देखो मैं एक कांच के बर्तन में डालकर आपको दिखा रही हूँ कि कलर कैसा आ रहा है. और बाकी मैं मग में डाल लेती हूँ. फ्रेंड्स भिगाने के बाद ये पत्ते देखो, पत्ते कितने बड़े हो गए. इसे मैंने 5-7 मिनट भिगाया था. अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर कैसा आता है. देखो ये हल्की चाय है, इसकी कलर ऐसा आता है, लेकिन हल्का होता है. ये कोई कड़वापन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा एरोमा है. मुझे पता नहीं था कि ये रोस्टेड वाला जो दार्जिलिंग टी है, इसमें एरोमा इतना अच्छा आएगा. तो चाहो तो फ्रेंड्स ये ख़रीद सकते हो. और इसमें मैं थोड़ा ब्राउन शुगर मिला कर ही लेती हूँ. ब्राउन शुगर बहुत अच्छे से जाता है इसमें. इसमें ब्राउन शुगर मिला कर मैं लूँगी इसे. को दिखा फ्रेंड्स, देखो इसमें मैं ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर मिला रही हूँ. ये ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर है. ये इंस्टामार्ट से आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे है. बस एक चम्मच काफ़ी है. तो आप चाहो तो इसे ख़रीद सकते हो ये चाय. थैंक यू फ्रेंड्स सपोर्ट करना, और चैनल सब्सक्राइब करके आप ये कर सकते हो. मैं भाई फ्रेंड्स, बाय, सी यू.